कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को, या उन्होंने अपने तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। इस लस्सी नू जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ, इहदे च कुछ नहीं है। गल सिर्फ इन्नी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, उन्होंने उत्थे रैली करनी सी, किसानों ने रैली नू रोकण वास्ते आले दुआले बंदे लगा दिए। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको, रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार।